India's top rifle and pistol shooters continued to maintain their good form at the 63rd National Championship, with Anjum Moudgil winning the women's 50m rifle 3 positions title for a third year in a row. Moudgil's fellow Tokyo Olympics quota holders Abhishek Verma and Yashaswini Singh Deswal were also crowned national champions in the 10m air pistol mixed team competition. Moudgil was in top form at the event. She told nnis Sports that many obstacles had to be overcome as she fought hard to make her mark. Her family remained very supportive. के लिए अच्छी तैयारी चल रही है. मैं दोनों इवेंट्स पे ध्यान दे रही हूँ और मेंटल टेक्निकल और फिजिकल ट्रेनिंग पे ध्यान दे रही हूँ. बस जो चीजें मेरे को पता है मैं उनको बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ और आई होप टोक्यो सबसे अच्छा होगा इंडियन एथलीट्स के लिए. मैंने शूटिंग को एज ए करियर नहीं चूज किया, पर जब मैंने 2008 में शूटिंग शुरू करी थी मुझे काफी इंटरेस्ट बना उसमें और उससे मेरा काफी कॉन्फिडेंस बढ़ा और काफी चीजें थी जो मुझे सीखने को मिली, इसलिए मैं शूटिंग करती हूँ. ऐसी कोई मेजर चुनौतियां नहीं रही है मेरे लाइफ में, पर यही है कि शुरुआत में इक्विपमेंट लेना या वेपन लेना में प्रॉब्लम आई थी, पर आई थिंक दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम. और उन सब चीजों से सीख के उन चीजों से आगे बढ़कर जब प्रॉब्लम्स आई उनको फैमिली के साथ सब सॉल्व करके, आई थिंक यही सब एक जर्नी है एथलीट की और इसको मैंने इंजॉय किया है और आगे बढ़ी हूँ. सो आई थिंक चुनौतियों को एज ए लर्निंग प्रोसेस लेके आगे बढ़ी हूँ. मैंने 63rd नेशनल में 3 पोजीशन में गोल्ड जीता जो कि मेरा हैट्रिक था 2017, 18 और 19 का. तो इसने मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट किया क्योंकि मेरा एम था ये पिछले साल से जब मैंने सेकंड टाइम गोल्ड जीता था कि मैं थर्ड टाइम भी जीतूं. तो मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिली और 3 पोजीशन पे भी मैंने काफी काम किया था, 10m एयर राइफल पे भी. तो मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगी आगे के लिए.